वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम खड़े हैं यहाँ पे, अंडर कंस्ट्रक्शन है LVUP, और यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन LVUP एंड BUP। दूसरा पॉइंट है हमारा इन्वर्ट लेवल, ड्राइंग में मेंशन रहता है और वो इन्वर्ट लेवल एक्चुअली होता क्या है, बहुत हमारे न्यू फ्रेशर इंजीनियर्स को पता नहीं चलता है। उसके बाद फाउंडिंग लेवल, उसके बाद हाउ टू चेक सेटरिंग, फिर हमारा वेंट और स्पैन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेंट क्या होता है और स्पैन क्या होता है। तो आइए देखना सर, पहला हम डिस्कस करेंगे इन्वर्ट लेवल। एक्चुअली इन्वर्ट लेवल वो है, ये हमारा राफ्ट है, कोई इसको फाउंडेशन कहता है, कोई इसको फुटिंग कहता है। तो ये राफ्ट का जो टॉप लेवल है, एक्चुअली यही हमारे ड्राइंग में मेंशन होता है इन्वर्ट लेवल, ठीक है। उसके बाद फाउंडिंग लेवल, फाउंडिंग लेवल मीन्स किसी भी फाउंडेशन का जो बॉटम का लेवल होता है, PCC का टॉप लेवल होता है, वो फाउंडिंग लेवल होता है, जनरली ड्राइंग में मेंशन होता है। तो दर्शकों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हमारा जैसे ड्राइंग में दिया होता है 100 point something, ये फाउंडिंग लेवल है। तो फाउंडिंग लेवल हमको एक्चुअली जाना कहाँ पे है, वो फाउंडिंग लेवल होता क्या है, ये चीज़ क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेल्ट और स्पैन क्या होता है। बेल्ट एक्चुअली क्या है, हॉरिजेंटल हाइट जो होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, अंदर से अंदर जो पासिंग हाइट होता है वो बेल्ट होता है, और स्पैन जो होता है किसी भी स्ट्रक्चर का विड्थ होता है, अंदर अंदर क्या विड्थ मिल रहा है वो हमारा स्पैन कहलाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन LVUP और BUP। तो दोस्तों BUP और LVUP रोड हाईवे में बनाने का मेन पर्पस क्या होता है कि रोड के क्रॉस व्हीकल को पास करना। तो उस सिचुएशन पे LVUP का जो फुल फॉर्म होता है लाइट वेहिकुलर अंडरपास, तो जहाँ से जिस स्ट्रक्चर से हमें लाइट व्हीकल को क्रॉस करना होता है, उस स्ट्रक्चर को हम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं जिसका बैंड जो है 4 मीटर से लेके 4.5 मीटर तक होता है। और व्यू पी जो होता है वो उसका जो वेंट होता है मैक्सिमम 5.5 होता है, मिनिमम 5 मीटर तक होता है। तो वहाँ पे उस BUP से हमारा बड़ा जो 4 मीटर से ज़्यादा हाइट का हमारा जो व्हीकल है वो क्रॉस हो सकता है। तो ये डिफरेंस है LVUP और BUP में। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला कंसेप्ट क्या है, हाउ टू चेक सेटरिंग। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारे बाएं तरफ ये LVUP का सेटरिंग लगा हुआ है, तो इसमें सेटरिंग में बहुत कुछ चेक करने वाला होता है। देखो भाई फोटो वाला टैप ले दे जाओ, ये हमारा प्लम्ब लगा हुआ है, ये प्लम्ब लगा हुआ है, ये सेटरिंग एक्चुअली हमें प्लम्ब में चाहिए। ऊपर चेक करिए यहाँ पे, क्लियर दिखना चाहिए। यहाँ पे 150 में मारा है, नीचे दिखाइए, इसको होल्ड करिए, होल्ड, ये 150 में मारा है। अगर 150 में का कैंडा यहाँ पे लगा हुआ है 150 में मुंह पर और 150 में नीचे अगर मिलता है तो मतलब हमारा सेटरिंग प्लम है। ये लोहे का प्लेट लगा हुआ है, ये 1250 by 1 meter का लोहे का प्लेट है, इसको नेट बोल्ट से टाइट किया हुआ है। तो हमें ये देखना है कि कम से कम 3 नेट बोल्ट इसके साथ क्लाइंट हो, बीच में जो गैप बचता है उसके अंदर फोम डालना होता है। नीचे हमारा सोल्जर लगा हुआ है जिसके साथ टाई रोड है, ऊपर भी सोल्जर लगा हुआ है, टाई रोड है, दोनों सेटरिंग को एक दूसरे से अटैच करके रखता है ताकि कंक्रीट पोरिंग होने के टाइम में सेटरिंग भागे ना। टायर डालने का मेन पर्पस यही होता है
बाकी दूसरा कोई पर्पस नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों शटरिंग चेक करने के लिए एक और चीज़ है जो ये है हमारा लाइन, शटरिंग हमारा पूरा लाइन में हो, इसके लिए लाइन लगा हुआ है। उसके बाद अगर हम स्टील को भी अगर चेक करें, स्टील में कवर होना चाहिए। एक बार ऊपर लेके आएंगे क्या? किया सर। हम आ गए हैं वाल के ऊपर और यहाँ पे अब हमें क्या चेक करना है, कवर ब्लॉक। ये नॉन अर्थन फेस है, यहाँ पे 50 mm का कवर और दूसरी तरफ अर्थन फेस है, उधर 75 mm का कवर है। उसके बाद हमें ये लाइन देखना होता है, लाइन दिखाइए, बैठ जाइए। ये लाइन देखना होता है हमें, बिल्कुल एक लाइन ये है, स्टील पूरा वर्टिकल खड़ा है, इधर भी दूसरी तरफ एक तीसरी तरफ कुछ झुका हुआ नहीं है, ठीक है। हम इसमें अब कॉन्क्रीट पोरिंग कर सकते हैं इसमें अभी। उसके बाद हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखना होता है वो क्या, इसमें कौन सा ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज होगा, ठीक है। इधर लेके ड्राइंग के पास दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं ये RCC बॉक्स, पूरा बॉक्स के लिए मीन्स राफ्ट के लिए, वाल के लिए और स्लैब के लिए M30 ग्रेड कंक्रीट है। तो कंक्रीट पोरिंग के टाइम में हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना होता है, जैसे हमारा TM से कंक्रीट आ रहा है ट्रांजिस्ट मिक्सर से, उसमें एक स्लिप होता है, QS डिपार्टमेंट स्लिप काट के देता है, उसको प्रॉपरली चेक करना होता है कि M35 ग्रेड का कंक्रीट ही तो है। इंश्योर होने के बाद हम कंक्रीट पोरिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अगर कोई त्रुटि हो तो माफ करिए। धन्यवाद।